केवल बाबा महाकाल की धार्मिक स्थान नहीं लेकिन हमारा घर भी है, और आज दर्शन करने का दोबारा शुभ अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक भावना जुड़ी हुई है, और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारण करवाना भी चाहते हैं। और इसी के तहत 15वें वित्त आयोग को मैंने निवेदन किया था कि भगवान महाकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और 75 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी जो उन्होंने स्वीकार करके वित्त मंत्रालय को भेजा, और फिर वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकारता दी। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एन के सिंह जी को, कि तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है जो मैंने निवेदन उनको किया था, और इससे एक भव्य रूप हमारा मंदिर धारण कर पाएगा, यही मेरी एक आशा है। प्राचीनता ज़्यादा होनी चाहिए हमारे मंदिर में, जैसे उदाहरण के तौर पर ये फुहारे भी लगे हैं, तो एक प्राचीन रुख होने चाहिए इन फुहारों के अंदर। मैं देख रहा था गर्भगृह में भी सफाई की सख्त ज़रूरत है, जो वहाँ चांदी लगी है मेरे पूर्वजों के द्वारा उसकी सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को, जो पुराना हमारा ये काला पत्थर है इसका पॉलिश का निखार निकलना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को उस योजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे और हमारे मंदिर को एक भव्य रूप हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आप शामिल हैं। प्रशिक्षण है विधायकों का, मैं समझ रहा हूँ कि हम सब जनसेवक हैं, और जनसेवक होने के नाते हम लोगों का दायित्व है कि हम अपने जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहें, और उसी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारे यशस्वी अध्यक्ष विष्णुधर शर्मा जी ने ये वर्ग आयोजित किया है। मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। वे लगातार अध्यक्ष ग्रहण करने के बाद इसी राह पर चल रहे हैं कि किस तरीके से हम पार्टी को मजबूत करें, और पिछले बार अध्यक्षों का एक वर्ग रखा गया था, उसके बाद कार्यकारिणी का वर्ग रखा गया था, इस बार विधायकों का वर्ग रखा जा रहा है, तो इससे हम सबको प्रेरणा मिलेगी इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में लगातार प्रशासनिक सर्जरी की जा रही है, 12 बदले गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जो उचित समझे वही मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस पे किसी और की सोच या विचारधारा या टीका टिप्पणी इसमें उचित नहीं है। प्रशासन को दुरुस्त रखना ये मुख्यमंत्री जी का दायित्व है और उनका हक है, और जो भी वो कदम लेंगे मध्य प्रदेश के हित में ही लेंगे। महाराज जी, आप हमेशा से किसानों के नेता कहे गए हैं, किसानों को ही लेके आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी थी, लेकिन अभी भाजपा में दिल्ली में कई समय से किसान आंदोलन चल रहा है। मैंने अपनी सोच, अपनी विचारधारा संसद के पटल पे भी स्पष्ट की है। ये तीनों सुधार कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं। किसानों को जो 70 साल से जो एक राजनीतिक आज़ादी हमारे देश में हमें मिली है प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद, लेकिन आर्थिक आज़ादी आज तक किसान को नहीं मिली थी। 70 साल बाद उन बेड़ियों को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक नई ऊर्जा और एक नया आशा का किरण कृषि के क्षेत्र में आएगा इन तीन कृषि सुधार कानून के आधार पर। और जो हक हर एक व्यक्ति को दिया जाता है इस देश में कि अपना उत्पादन कहाँ भी बेच पाए।